इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि 70 किलो MDMA ड्रग बरामद की गई है, जिसकी कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तेलंगाना से कार में लाई गई ड्रग के साथ 5 आरोपियों को 13 लाख के नकद के साथ गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में 70 करोड़ के ड्रग सीज किए हैं। आज ही 70 किलो MDMA जो सिंथेटिक ड्रग है उसे एक ही कंसाइनमेंट में आज सीज किया गया है। नरकोटिक से डील करने वाली कुछ संस्थाओं से मेरी बात भी हुई है। 70 kgs जनरली बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक किसी अन्य संस्था ने नहीं पकड़ा है। जब ये कंसाइनमेंट एक्सचेंज हो रहा था, पैसे एक्सचेंज हो रहे थे ड्रग डीलर्स के बीच में, उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है और 70 kgs MDMA बरामद किया है। उसके साथ साथ तेलंगाना की एक रजिस्टर्ड व्हीकल, एक सियाज व्हीकल, मध्य प्रदेश की रजिस्टर्ड व्हीकल और 5 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है।